सब्सक्राइब जी हिंदुस्तान एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। जनता से हर पल जुड़े रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को कभी निराश नहीं करते, ये बात अब एक बार फिर से सामने आई है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम ने मंडला में एक गोल्डन कलर की माला पहनी थी। यह माला धनबाद के रवेश कुमार सिंह को अच्छी लग गई। उन्होंने बिना देर किए ट्विटर के जरिए पीएम को ट्वीट कर इस माला की तारीफ करते हुए इसे देने की गुजारिश कर दी। रवेश को यह लग रहा था कि माला मिलेगी या नहीं, मगर पीएम ने जैसे ही ट्वीट देखा, ट्वीट पर नजर गई उनकी, बाकायदा चिट्ठी के साथ प्रधानमंत्री ये माला प्रधानमंत्री ने उन्हें भिजवा दी। इस बात से खुश रवेश ने कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए चिट्ठी के साथ माला पहनकर अपनी तस्वीर फेसबुक पर डाल दिए। तो धन्यवाद के रवेश ने धन्यवाद कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने जो माला पहनी थी उसकी तारीफ करते हुए ट्वीट किया था रवेश ने कि ये माला उन्हें बहुत अच्छी लगी है, क्या ये माला उन्हें मिल सकती है। और ये ट्वीट जैसे ही देखा प्रधानमंत्री ने, उन्होंने एक पत्र के साथ ये माला रवेश तक पहुंचवा दी। तो लोगों से सीधे जुड़े रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, इसकी एक और वानगी आपके सामने है। जिस तरह से धनबाद के रवेश ने अपनी इच्छा जताई और उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए तुरंत प्रधानमंत्री ने उन्हें वो माला भिजवा दी जो माला उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान पहन रखी थी। और आप देख रहे हैं ये तस्वीरों में रवेश जो खुश हैं इस पत्र को दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो माला पहनी थी उस रोज प्रधानमंत्री ने। और हमारे साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस वक्त। प्रफुल्ल, ये इस तरह के जो वाक्य सामने आते हैं वो ये बताते हैं कि आखिर लोगों का उनके मन का सम्मान कितना करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, देखिए लोगों के मन का सम्मान प्रफुल्ल आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, तो साफ है इन दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कैसे रवेश खुश हैं कि उन्होंने जो मांग की, जो इच्छा थी उनकी, उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि ये माला उन तक पहुंच जाएगी। उन्होंने यूं ही ये ट्वीट कर दिया था कि माला बहुत अच्छी है और क्या ये मुझे मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने जो ही ये ट्वीट देखा वो माला उन तक भिजवा दी। तो ट्वीट कर पीएम से मांगी थी माला धनबाद के रवेश ने एक कार्यक्रम के दौरान, जब पीएम को उन्होंने देखा था ये माला पहने हुए, और तभी से उनकी इच्छा थी कि काश ये माला मुझे मिल जाती। प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। प्रफुल्ल, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो बड़े संदेश देते हैं लोगों के बीच। बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश देते हैं कि एक मोदी के प्रशंसक ने उन्हें पंचायती राज कार्यक्रम में इस माला के साथ देखा, उन्हें वो पसंद आई। और जो ये शख्स है ये धनबाद का रहने वाला है और ट्विटर पे महज 200 इसके फॉलोअर हैं, और उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री की इस माला की तारीफ करते हुए ट्वीट करके लिखा। और अगर आप उस ट्वीट को ध्यान से पढ़ें तो क्या ये माला सकती है लिखा है, मिला ये शब्द जो है रह गया है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस व्यक्ति की भावनाओं को समझा, वो क्या लिखना चाह रहे थे इस भावनाओं को समझा। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ ये माला भेजी बल्कि अपनी शुभकामनाओं के साथ एक चिट्ठी भी लिख के, संदेश लिख के जो है इनके पास भेजा। तो प्रधानमंत्री को महज एक ट्वीट उन्होंने किया और उस माला की तारीफ की, तो प्रधानमंत्री ने उस व्यक्ति को जिसे वो जानते तक नहीं है, जिसके महज 200 फॉलोअर हैं ट्विटर पे, उसे वो माला न सिर्फ भेंट की बल्कि अपना संदेश भी भेजा। तो एक तरह से जुड़ाव जो है दोनों के बीच देखने को मिलता है कि एक वो जो प्रशंसक हैं वो शायद नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं, उन्होंने उसकी एक चीज की प्रशंसा की, एक चीज उनसे मांगी और प्रधानमंत्री ने वो चीज बड़ी आसानी से अपने संदेश के साथ दे दी। शुक्रिया आपका प्रफुल्ल जानकारी देने के लिए। तो श्री रवेश कुमार सिंह जी, ट्विटर पर आपका संदेश पढ़ा, आपने लिखा है मंडला में पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में इस दौरान मंच पर मुझे जो माला पहनाई गई थी वो आपको पसंद आई, इसलिए पत्र के साथ उपहार में ये माला भेज रहा हूं। ये ट्वीट है प्रधानमंत्री मोदी का रवेश को जो उन्होंने भेजा है, उस खत में जो लिखा है वो आप देख रहे थे इस वक्त। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें
इस बात का जिक्र करते हुए कि आपका ट्वीट देखा और इस ट्वीट को देखने के बाद हम आपको ये माला उपहार में भेज रहे हैं।